नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उच्चतर शिक्षा सेवायोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा 2021। ये प्रैक्टिस सेट 14 है। सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इससे पहले कुल 25 प्रैक्टिस सेट और ये 14वां स्पीड टेस्ट है और 5 मॉडल पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के लिए अपलोड किया जा चुका है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दीपा कर्मांकर है। ओलंपिक खेल हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला दीपा कर्मांकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय में कौन एकमात्र महिला न्यायाधीश है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायमूर्ति आर भानुमति अनामिका। तो न्यायमूर्ति आर भानुमति अनामिका हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास सम्मान 2015 किस रचना के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है क्षमा के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है जबोल, यानी कि टी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायः शिक्षा को उद्देश्य विहीन माना जाता है क्योंकि? तो 5 का राइट ऑप्शन सी, चरित्रिक विकास सामाजिक समायोजन में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची का मिलान करना है। तो 6 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, जब मिलाएंगे तो ऐतिहासिक शोध, ये आएगा भूत संदर्भित। फिर है, यानी ये 5 पे आएगा, ये 5 पे आएगा भूत संदर्भित क्रियात्मक शोध, ये आपका आएगा स्थानीय समस्या में। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे सर्वोच्चण शोध, तो ये आएगा वर्तमान स्थिति में। और प्रयोगात्मक शोध, ये चला जाएगा चरों का नियंत्रण। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन 5, 4, 1, 2 आ जाएगा राइट ऑप्शन के अंतर्गत, ऐतिहासिक शोध, भूत संदर्भित क्रियात्मक, स्थानीय समस्या, सर्वेक्षण वर्तमान स्थिति और प्रयोगात्मक चरों का नियंत्रण, यानी डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई परीक्षण किसी विषय में दक्षता स्तर की उपलब्धि का मापन करता है तो उसे क्या कहेंगे? निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त करने के लिए यूजीसी ने एक प्रारूप प्रस्ताव भेजा 2007-08 में निम्नलिखित कार्य योजना के लिए। तो 8 का जो प्रारूप है, उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसा माना जाता है कि भारत में हम लोग उच्च शिक्षा की द्रुत मात्रात्मक वृद्धि की समस्या को झेल रहे हैं, इसके लिए आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम समाधान हो सकता है? तो जो सर्वोत्तम समाधान होगा, संपूर्ण जीवन तक पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, यही इसका समाधान है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, वेव की भाषा होती है तो HTML होती है, वेव की भाषा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है तो आर टोमलिंसन को माना जाता है, यहाँ पे टोमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो उपयुक्त दोनों हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की सी, यानी पॉल एलन और बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी जीवों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक गैस है? 13 का सी, ऑक्सीजन। पृथ्वी की विशाल जैव विविधता, तो 14 का राइट ऑप्शन सी, तीव्रता से विलुप्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है? तो 15 का भी, चैत पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार जो होते हैं बौद्ध भिक्षुओं को रहने का निवास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत करण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का जो सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर स्थिति की जाति के कर्मकांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है, वे प्रथाएं जो समानता
प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती हैं, वे थी शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा, एक दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1880 में भारत सरकार में अकाल आयोग यानी फेमिन कमीशन का गठन किसके अधीन किया गया था? तो ये फेमिन कमीशन सर जॉन स्ट्रेची के निर्देश में बना। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदू कॉलेज की 1817 में स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, डेविड हेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर के ही हिंदू कॉलेज की 1817 में स्थापना किया कलकत्ता में, अब इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को मिलान करने के बाद जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसको भी देखते हैं। पहले देखते हैं 19 का मरखा घाटी, ये किस पे जाएगा? तो ये चला जाएगा आपका 3 पे, जम्मू और कश्मीर। जूकू घाटी चला जाएगा नागालैंड। फिर सांगला घाटी आपका चला जाएगा 2 यानी हिमाचल प्रदेश में। और फिर बचा यूथांग घाटी, ये चला जाएगा 1 पे चला जाएगा। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, मरखा घाटी किस पर आएगा? जम्मू कश्मीर। जूकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। यूथांग घाटी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है ये पता करना है, तो इसमें सिपिकाला हिमाचल प्रदेश सही है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश सही गलत है, जबकि नाथला सिक्किम जो जिला कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब इसको भी कूट के साथ ऐसे चुनना है, तो यहाँ पर अगर देखें तो राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए मिलान के बाद? तो सबसे पहले बनिहाल ये जम्मू कश्मीर, नाथुला ये आपका सिक्किम, नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। सिपकीला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी ऑप्शन 21 का बी सही है, 21 का भी सही है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है क्योंकि? तो यहाँ पर उपयोगी यह है, संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करता है, इसीलिए 23 का भी। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने हैं, तो इसमें ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है, और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, जबकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते गलत, ऐसे में राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल्कुल की बात नहीं, ये भी गलत है। तो मौलिक अधिकार जो है ये 1 और 2 सही है, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, तो विचार करने के बाद जो ऑप्शनों को सही लगेगा, जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता व के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव अधिकार की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयोग में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो तीनों सही है, 25 का ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27, किन स्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो 27 का जो राइट ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, 2 और 3 के अनुसार ही हो सकता है, 2 और 3 यानी संविधान के अतिक्रमण और कर्तव्य की अवहेलना पर। क्वेश्चन नंबर 28, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि इसी में योजना के अधीन जो रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, अब यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, तो ऑप्शन जो मिलेगा यहाँ पे, अगर तीसरी योजना देखें तो खाद्यान्न एवं कृषि के लिए, 7वीं ऊर्जा एवं खाद्यान्न के लिए, 1ली सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए,
पांचवी गरीबी उन्मूलन के लिए, और इस हिसाब से राइट ऑप्शन ए। और अंतिम क्वेश्चन अगर देखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक, ये ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।